परसों अगर ऐसा सिस्टम मेरे को दिखा मैं यहाँ पे धरना ठोकूंगा, और जब तक डीसी साहब खुद आके यहाँ पे उसको स्टिमलाइन करेंगे तब तक ये धरना नहीं उठेगा। फिर डीसी साहब शाम को निकलते हैं, भाई शाम को तो लोग अपने घरों पे चले जाते हैं, सुबह का हाल बताइए ना आप। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ डोडा पुलिस एक काफ़ी अच्छा काम डोडा के अंदर करते हुए जितनी भी दिक्कतें डोडा के नागरिक को डोडा में चलते समय आती थी, वो दिक्कतों को हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ओल्ड बस स्टैंड टू वाई जंक्शन बर्थ रोड तक किसी भी गाड़ी की मनाई थी, क्योंकि ये एक कंजस्टेड जो है वो एरिया है और इस वजह से रॉन्ग पार्किंग वहाँ पे करने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो थी वो सामने आती थी। लेकिन अब वहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो वहाँ पे पार्क नहीं कर सकता। इस पे सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इसी के साथ वहाँ के लोग जो थे वो इस ऑर्डर से खुश थे, लेकिन अभी भी तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग नाराज़ हैं। नगरी के इलाके से कुछ लोगों ने जो है वो TLR से बात करते हुए कहा कि नगरी के अंदर जितना भी JK बैंक नगरी ब्रांच टू ITI डोडा तक जो रोड है वहाँ पे काफ़ी कंजक्शन हो जाता है रॉन्ग पार्किंग करने की वजह से। उसे जो है कोई भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे नहीं दिखता उसे क्लियर करवाने के लिए। उस वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ में जितने भी कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो है वो तकलीफ़ हो रही है, और ट्रैफिक कंजक्शन जो है वो ज़्यादा वहाँ पे बढ़ रहा है। तो लोगों ने पुलिस डोडा और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़गी जताते हुए कहा कि यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स को, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाए जो इन चीज़ों का ध्यान रखे और यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग करने की मनाई हो। आइए देखिए किस तरह से नगरी के लोगों ने TLR से बातचीत करते हुए अपना हाल बयां किया। अक्सर हम लोग ट्रैफिक पे फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं। पिछले दिनों जो ही DTI एक आए थे, उन्होंने अच्छा मैन स्ट्रीम किया था, उसको उठा के ट्रांसफ़र करके कहीं और फेंक दिया। ऐसे बंदे यहाँ पे लगाए जो काम करते ही नहीं है। अभी भी 15 दिन से यहाँ पे यासीन जी आते थे अपने परानू वाली साइड से, वो सुबह 8 बजे ट्रैफिक का मैनेज कर लेते थे, लेकिन 15-20 दिन से मैंने DSP ट्रैफिक साहब से कहा कि यहाँ पे कोई भी आपका अमला नहीं है, आप यहाँ पे काइंडली इसको प्रोवाइड करें, लेकिन 15-20 दिन से मेरे को बंदा यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे ITI है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ग्रीन मॉडल है, लिटिल एंजल स्कूल है, और यहाँ पे शाइन पब्लिक और चिनाब वैली भी है। तो कम से कम मेरे को यहाँ पे सिटी के मोस्ट ऑफ द स्कूल यहाँ पे है, डिग्री कॉलेज है, जहाँ से मेरी कम से कम 30,000 की पॉपुलेशन टू एंड फ्रो करती है, और साथ में जोधपुर गुंद्रा से ट्रैफिक यहाँ पे आती है, और कहीं ना कहीं हमें वो मैनेजमेंट लगती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि लोगों ने गाड़ियाँ 20-25 लाख की खरीद कर रखी हैं, और हमारे इस डिग्री कॉलेज वाला एरिया जो GMC को टुवर्ड्स जाता है बस स्टैंड से, उसको हब ऑफ द करप्शन बना दिया है, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ये नेक्सस जो है ट्रैफिक का है। क्योंकि रोज़ रोज़ हम कहें अच्छा नहीं लगता हमें, एज ए काउंसलर हम बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बार बार हम उनके पैर नहीं पकड़ेंगे, हम एक बार ही इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपका अमला यहाँ से नहीं है तो आप उसको प्रोवाइड करें। 50 बारी मुझे फ़ोन करना पड़ता है DSP ट्रैफिक को, और वहाँ पे अमला नहीं होता है, और सुबह वो आता है एक ट्रैफिक वाला चू करता है, और किसी को भी कुछ नहीं बोलता है। हम पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर वो किसी को गाड़ी लगाने से मना नहीं करता है तो फिर उसका सुबह सुबह आने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि वो जो मोटरसाइकिल ट्रैफिक वाले आए हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहे। आप लोग चू करते हो, लोगों की नींदों को ख़राब कर रहे हो, और आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हो। कल मैं देख रहा था आप भी उसको लाइव चला रहे थे प्रोग्राम को, कि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ चलानी करवा रहे थे, दैट इज़ गुड, बट आपने डिमार्केशन की क्या? पब्लिक ने कहाँ जाना है? कोई गुंदो से आता है, कोई जोधपुर से आता है, कोई भागवत से आता है, उसने हॉस्पिटल तो जाना है भाई, आपने कहीं ना कहीं उसके लिए रखा है क्या? अगर बाय द वे पे करेगा आपको, कहीं ना कहीं उसके लिए तो मैनेजमेंट करना है ना। वो किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे फेलियर है। आप भरत रोड देखिए, पब्लिक देखिए, बस स्टैंड देखिए, अभी हमारा अमला जाता है उसमें, हमारा जो म्यूनसिपलिटी का स्टाफ है वो उसमें उसका भी नेक्सस है, ट्रैफिक का भी नेक्सस है, और सबसे बड़ा जो पुलिस का नेक्सस है। मेरे को बताइए SHO डोडा, आपने ट्रैफिक अपना ये जो पुलिस में चौकी है, चौकी अफसर क्या करते हैं? वो बार बार वहाँ से दोबारा अपनी रेडियाँ और अपनी फड़ियाँ कैसे लगा लेते हैं? दिस मीन्स दैट देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड ऑल ब्यूरोक्रेसी।
रनिंग इन द सिटी। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ से एक चीज़ आपके लिए बोलता हूँ कि मुझे स्ट्रीमलाइन करके दे दीजिए। आई एम नॉट यूर सर्वेंट टू कॉल यू अगेन अगेन, दिस इज यूर प्रोरोगेटिव टू मेक मी रिलीफ। ये आपका काम है, आपको गवर्नमेंट पे कर रही है इस चीज़ के लिए। मैं सुबह से यहाँ पर 2 घंटे से खड़ा हूँ, कोई भी ट्रैफिक का मामला नहीं आता। जब मैंने डीएसपी ट्रैफिक को फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब गलती आपकी वजह से हो रही है, 20 दिन से आपका बंदा नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे सोए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हैं पब्लिक को। जैसे मैं कल देख रहा था डीसी साहब शाम को निकलते हैं, भाई शाम को तो लोग अपने घरों पे चले जाते हैं, सुबह का हाल बताइए ना आप। आप निकलिए घर से, सिटी के अंदर चलिए कि भाई नगरी के आसपास आप क्या, आपने क्या मैनेजमेंट की है एज ए काउंसलर। 50 बार ही मैंने आपको रिक्वेस्ट की, मैं आपके पैर नहीं पकड़ूंगा, और कल परसों अगर ऐसा सिस्टम मेरे को दिखा मैं यहाँ पर धरना ठोकूंगा, और जब तक डीसी साहब खुद आके यहाँ पे उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे तब तक ये धरना नहीं उठेगा फिर।